प्रिय भाई बहनों, आज भी हम हर शनिवार हम दो शनिवार हम हार्दिक आशीष के बारे में हम मनन कर रहे थे। आज भी हम कई चीज़ों को हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमें जरूर आशीष करेंगे। प्रभु हमें हमेशा आशीष करने के लिए चाहते हैं। प्रभु का दिल को देखिए, प्रभु के लिए कुछ कमी घटी नहीं है। आदम हवा को जो बनाया प्रभु संपूर्ण रीति से, आदम पाप करने के पहले आदम के लिए कुछ भी कमी नहीं था। सब कुछ भरपूरी से प्रभु उन लोगों को दिया, लेकिन वो लोग जो पाप किया, शैतान को इस दुनिया को, शैतान का हाथ में इस दुनिया को दे दिया, शैतान राज्य करने लगा इस पृथ्वी पर, तब मनुष्य का अंदर कमी घटियाँ सब आ गया। लेकिन प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर का दिल हमेशा अपने बच्चों लोग आशीष पाते रहने के लिए वो चाहता है। हम इस गिरे हुए दुनिया में हम रहते हैं, फिर भी हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए सब लोगों को जैसे मेरा जीवन में भी हो रहा है, ऐसे ही होगा ना, क्या करेंगे। सब लोग अविश्वासी लोग कमी कटी के साथ जी रहे हैं, मेरा जीवन में भी ऐसे ही होगा ना, ये कुदरत के अनुसार नेचुरल है, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो जो नई सृष्टि पाया हुआ ये प्रभु का बच्चा का अंदर प्रभु का राज्य आ गया है, प्रभु राजा बन गया है, हम स्वर्ग का नागरिक बन गए हैं। जैसे स्वर्ग में सब कुछ संपूर्ण रीति से प्रभु ने सब व्यवस्था किया है, वैसे हमारा जीवन में भी सब कुछ हमारे लिए हम पा सकते हैं। इसलिए लेकिन कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, आर्थिक आशीष बारे में ज़्यादा हम बोलेंगे तो लोग सोचते हैं अरे सेवक को लालच आ गया, ये विश्वास को लालच आ गया, प्रभु ये आशीष देना है, वो आशीष देना है, मुझे बहुत आज से आशीष देना है, ये काफ़ी नहीं है, ऐसे ये पूछ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विश्वास कर रहा है, ये सब क्या है, इतना लालच है करके कोई कोई लोग, कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं क्यों पैसा के ऊपर क्यों इतना ध्यान देना है करके, कई मसीह लोग सोचते हैं, कई कोई कोई सेवक लोग भी सोचते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम सब कार्यों में क्यों हम भरपूर वो होना गया, आशीष पाना गया, जरूरत से ज्यादा हम क्यों आशीष पाना गया। हम 4-5 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं, और हम जो बहुत अच्छा गाड़ी पहले से है उससे भी और 2-3 गाड़ी लेके घूमने के लिए नहीं, पैसा को हमारा जो प्रभु ने किया आशीष को व्यर्थ करके इधर उधर ऐसे पैसा को फेंकने के लिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रभु हमें आशीष नहीं देते हैं। प्रभु क्यों एक व्यक्ति को आशीष देना चाहते हैं, और क्यों एक व्यक्ति प्रभु के बच्चा प्रभु से जरूरत से ज्यादा हमें आशीष कीजिए, भरपूरी आशीष दीजिए करके क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्यों मालूम है, हम व्यर्थ करने के लिए नहीं, हम दूसरों को आशीष करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हम भी अनुभव करें, दूसरों को आशीष करें। देखिए एक प्रभु के बच्चा को कुछ पैसा नहीं है, दरिद्रता में जी रहा है, वो उसका खुद का भी कुछ जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, तब वो अभी कोई सेवक सेवकाई के लिए कुछ अवश्य आ रहा है, आवश्यकता आ रहा है, कोई दूसरा विश्वास के लिए कुछ संकट आ रहा है, कुछ पैसा जरूरत पड़ रहा है, कोई और कुछ चर्च बिल्डिंग बनाना है, कहीं लाखों का जरूरी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तब पूछेंगे तो ये देने के लिए चाहता तो भी ये विश्वासी जो कंगाल है वो नहीं दे पाएगा। इसलिए जब हम पाए ज्यादा पाते हैं, ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रभु हमें आशीष किया, चारों ओर से हमें आशीष उमड़ रहा है, प्रभु हमें ऐसे आशीष कर रहे हैं क्यों, तब हमको सोचना चाहिए प्रभु मेरे द्वारा कई लोगों को आशीष करना चाहते हैं, इसके लिए आशीष चाहिए। इसलिए जो जो आर्थिक आशीष नहीं चाहिए करके बोलने वाला वो लोग सचमुच में वो लोग बहुत अपना स्वार्थीपन में ऐसे बोलते हैं। कोई कोई अपना बच्चे लोग अच्छा नौकरी मिल गया, मुझे अच्छा घर मिल गया, ये मिल गया, अभी काफी है, मेरा बच्चे लोग अच्छे हैं, सब हो गया, अभी काफी है,
दूसरों के बारे में नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु इधर देने के बारे में, आर्थिक आशीष के बारे में हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा आशीष पाना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए प्रभु देने के समय में ऐसे ही एक मनोभावना के साथ प्रभु के लिए देने के लिए हमें चाहते हैं। लेकिन कई लोग क्या गए, पहले हम ये देखेंगे कई लोग क्या गए, पूछना है सेवक, पूछना ये चर्च में ट्यूबलाइट डालने के लिए जरूरत है, चर्च में ये टूट गया, इसके लिए कुछ नया कोई खरीद के देना हो तो दे दीजिए, इसके लिए इतना पैसा का जरूरत पड़ रहा है, अब पैसा देना हो तो दे दीजिए। ऐसे कई लोग पूछने के बात में ही देते, कई मसीह समाज में पूछने के बात में ही देते, लेकिन प्रभु का इच्छा ये नहीं है। मलाकी में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर प्रभु के लिए दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु देखिए भजन संहिता मलाकी में पढ़ने के पहले भजन संहिता 50:7-10-14 वचनों को पढ़ेंगे तो, भजन संहिता 50:7-10-14 को पढ़ेंगे तो उधर क्या लिखा है, प्रभु उधर पूरा वर्णन कर रहा है। क्या बोल रहा है, मैं तुझ पर तेरे नवा वचन को पढ़ेंगे, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। प्रिय भाई बहन, सब कुछ मेरे प्रभु का है। कोई कोई सोचते हैं हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, प्रभु को जरूरत है इसलिए दे रहे हैं, प्रभु को जरूरत नहीं है। प्रभु स्वर्ग में देखिए, हर एक सड़क सोना में बनाया हुआ है, सोने से बनाया हुआ है, एक एक पेड़ पौधा और एक एक बिल्डिंग उधर इतना ज्योतिमय है, कीमती पत्थरों से बनाया हुआ है, डायमंड्स डायमंड्स का उधर कुछ महत्व नहीं है, ऐसे ट्रीज का कुछ फूल सब ऐसे डायमंड्स से बनाया हुआ जैसे लगता करके, जो जो जाके आए हुए हैं स्वर्ग में जाके आए हुए हैं लोग बोल रहे हैं प्रभु के लिए कुछ जरूरत नहीं है, वो भूखा नहीं है प्यासा नहीं है, इसलिए बलि वो बकरा लेके आओ। पुराने नियम में बकरा लेके आते थे, बकरा कुछ बलि चढ़ाने के लिए मेमना कुछ लेके आते थे, वो बलि चढ़ाने के बाद में वो जो याजक लोग उसके परिवार उनमें से खाते हैं। इसलिए लोग क्या सोचते थे, याजक लोग ऐसे हम प्रभु ऐसे नहीं नहीं रखा है, याजक लोग भूखा है, याजक का परिवार में पैसा की जरूरत है, खाना की जरूरत है, इसलिए लेके आओ बलि, ऐसे कभी प्रभु ने नियम नहीं बनाया। पहले से प्रभु का घर में रखना है, पूछने की जरूरत नहीं है, और इतना ही नहीं है, वो मेमना और बकरा क्यों लेके आता है, एक एक व्यक्ति अपना पापों का जो पाप क्षमा होने के लिए बलि लेके आते हैं, वो प्रभु के लिए, वो याजक लोगों का खाना बन जाता है वो बात में, लेकिन मेन चीज है वो बलि का क्यों लेके आता है, अपना अपना दोषित मन शुद्ध होने के लिए, क्योंकि पाप करने वाला आता कोई भी का मृत्यु का दंड होना चाहिए, लेकिन उस मृत्यु का दंड एक मेमना का ऊपर प्रभु डाल रहे हैं, उस आदमी को छोड़ दे रहे हैं। ये नियम प्रभु ने बनाया है पुराना नियम में, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक याजकों का जो भी खाने का जो भी चीज है, खाने का जो भी आवश्यकता है ये भी पूरी हो जाता है, और जो बकरा मेमना और जो भी चीज अपना घर का पहला फल लेके आते हैं उनका भी जो भी पाप मेमना के द्वारा, मेमना के बलि होने के द्वारा, उसका बकरा बलि उसका बकरा को बलिदान करने के द्वारा वो उस व्यक्ति का भी पाप माफ हो जाता है। यही दोनों चीज है, वही हमको जानना चाहिए। जब हम आर्थिक आशीष पाना है पहले हमको मालूम होना चाहिए प्रभु के लिए कुछ जरूरत नहीं है, पूरा पृथ्वी उसका है, लेकिन उसका मनोभावना क्या है, प्रभु का काम करने का तरीका क्या है। देखिए आदम को बनाने के पहले उत्पत्ति का किताब में हम देखते हैं सब कुछ पहले तैयार करके प्रभु आदम को बनाया। प्रभु आदम को बनाने के बाद में हो आदम बोला प्रभु ये नहीं है क्या, हाँ ठीक है मैं बना देता हूँ, सृष्टि करेगा,
फिर बाद में दूसरा दिन, प्रभु ये जरूरत पड़ रहा है, ये नहीं है, ठीक है मैं ये भी सृष्टि कर रहा। ऐसे प्रभु कभी नहीं किया। आदम के लिए पहले दिन से अभी तक जो जो जरूरत है सब प्रभु बना के रख के आदम को प्रभु ने बनाया। वैसे दान देने के विषय में भी, प्रभु के लिए देने के विषय में भी, जरूरत आया गया, कोई जरूरत गया करके कोई बोल रहे हैं उसके बाद में दान देना है, ऐसे एक एटीट्यूड मनोभावना बहुत गलत है। वो कभी कभी हमको वो करना पड़ता है, कभी कभी पौलुस भी लिखते हैं, पौलुस भी यरूशलेम में जो यहूदी यहूदी विश्वासी लोग के बीच में बहुत अकाल हो गया, बोलो बहुत आर्थिक घटी हो गया है, इसलिए पौलुस दूसरा अन्य जाति लोगों के बीच में पैसा इकट्ठा कर कर यहूदी लोग में, यहूदी लोग है जो विश्वासी लोग है यीशु मसीह को स्वीकार किया गया वो लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करके लेते हुए हम देखते हैं, कहीं कहीं उसका चिट्ठियों में देखते हैं। वो तो ऐसे हमारा अभी अभी भी होता है, कभी कभी एक विश्वास के लिए कुछ अचानक एक जरूरत हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल का खर्चा हो जाता है, नहीं तो सेवा के लिए कुछ जरूरत हो जाता है, कुछ चीज कलिशा में करने के लिए कुछ अचानक एक जरूरत हो गया है, ऐसे समय हम पूछते हुए नहीं तो उस जरूरत को देखते हुए हम देने से वो गलती नहीं है। लेकिन रेगुलर कोई कोई लोग ऐसे हैं, रेगुलर सेवक पूछेगा तब देंगे, ऐसे भी कई लोग रहते हैं, उसका आइडिया ठीक नहीं, आइडिया गलत है। यही प्रभु सिखाते हैं मलाकी में, हम देखते हैं मलाकी, मलाकी तीसरा अध्याय में हम दूसरा वचन को हम देखेंगे, मलाकी नहीं, मलाकी तीसरा अध्याय है, उसमें प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे वो भी, मलाकी तीसरा अध्याय में है, उसमें प्रभु क्या बोल रहा है, मेरा घर में वो खाने के लिए जो जो जरूर सब रखने के लिए पहले से भंडार को तुम भरो, पहले से दे दो, पहले से दे देना, ऐसे जरूरत वो आने के बाद में दूंगा करके आप लोग वेट नहीं करना, पहले से देने का है। अब देखिए इधर आठवां वचन से है, क्या मनुष्य परमेश्वर का, मानव मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, ये सब प्रभु बोलते हुए 10वां वचन में देखिए, मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं को यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरो के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रिय भाई बहन, इस मलाकी में प्रभु देते हैं, पहले से रहे, प्रभु का घर में एक भंडार है, उसमें हमेशा पैसा रखना चाहिए। जिस जिस कलिशिया में ऐसे मनोभावना के साथ लोग देते हैं, उस कलिशिया में सब परिवार को प्रभु आशीष करेंगे। चर्च का भी जब भी एक प्रोजेक्ट आता है, कुछ जरूरत आता है, पास्टर को पूछना नहीं पड़ेगा, सब पहले से है, प्रभु का आइडिया यही है। हम कुछ जरूरत होने के बाद में अचानक पास्टर कुछ पूछेगा, पास्टर क्यों नहीं पूछ रहा है, पूछना चाहिए ना उसको, कुछ जरूरत है तो, कुछ उस कलिशिया में जरूरत हो तो पूछना चाहिए ना, तब हम देते, ऐसे लोग बोलना अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। इधर देखो प्रभु बोल रहे हैं, पहले से मेरा भंडार में, घर में भंडार में सब कुछ रहे, ऐसे आप लोग लेके आओ, तब मैं पूरा स्वर्ग का खिड़की खोलकर तुम्हारे लिए इतना अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, परख के देखो। प्रिय भाई बहन, ऐसे नीड जरूरत गया करके पूछने से पहले हम देना चाहिए, क्योंकि हमें पहले जब मैं छोटी थी तब ये कलशिया में मैं जाती थी, बड़ी हुई थी उसमें, उसमें क्या हमेशा उधर जरूरत है तो एक छोटा छोटा चीज के लिए भी बोलना पड़ता था, ट्यूबलाइट टूट गया, कोई प्रभु के लिए देना चाहते हैं तो एक लेके दीजिए, और एक चटाई और नहीं है, चटाई पर फट गया, आप देना तो दे दीजिए, ऐसे ऐसे एक एक चीज के लिए वो लोग पूछते 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 ही, जब पूछेंगे तब लोग देंगे। उस कलिशे में ऐसी आदत था, कभी कभी मिशनरी वर्क के लिए लोग, कोई कोई मिशनरी सेवकाई में कहीं
दूर दूर जगह में जंगल में आकर सेवकाई करना पड़ता है। मिशनरी लोगों को बहुत सेवक लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत खमी खटी के साथ सेवकाई करना पड़ता है। ये सब कभी कभी क्या होता था, ये लोग में कोई लीडर आके इस मिशनरी संस्था में आकर हमारा कलेशिया में जब चोटी थी में गई उसमें प्रचार करेगा, इतना महसूस के साथ ऐसे प्रचार करेगा सबका आंख में आंसू आ जाएगा, सबका दिल पिघल जाएगा। फिर अगले दिन सब लोग सोचेंगे हाँ इतना कष्ट है क्या, हम सब देंगे करके तब अपना पर्स खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। पहले से प्रभु के घर में जो भंडार है उसमें सब कुछ पूर्ण रीति से रखने के लिए अब देते रहेंगे तो प्रभु कितना खुश हो जाएंगे। प्रभु जरूर जरूरत से ज्यादा आपको आशीष प्रभु देने में कुछ भी रुकावट प्रभु के लिए नहीं होगा। यही हमारा मनोभावना होना चाहिए जब जरूरत है तब, क्योंकि हमारा मोटिव हमारा मनोभावना कैसा प्रभु देखते हैं, हमारा मनोभावना कौन सा मनोभावना के साथ हम देते हैं यही प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे कोई सेवक लोग सचमुच में ऐसा एक सेवक अच्छा से सेवकाई कर रहा है, प्रभु का हृदय के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, उसका कुछ जरूरत हो गया, उसका बच्चे लोग की कुछ जरूरत है, घर के लिए कुछ जरूरत है, वो कलशिया वाला के पास खड़े होकर मेरे लिए इतना जरूरत है, इतना कष्ट कष्ट के बीच में मैं गुजर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए कुछ मदद कीजिए करके खड़े और होकर वो खड़े होकर ऐसे पूछने पूछना प्रभु चाहेंगे क्या। वही सच्चा सच्चाई हृदय से एक सेवक के सेवकाई करने वाला को मैं बताती हूँ। ऐसे प्रभु का दिल बहुत दुख होगा, मेरा सेवक इतना पूछना क्या, हाँ प्रभु से सब कुछ, प्रभु के पास इतना भंडार भरा हुआ है स्वर्ग में, लेकिन प्रभु कोई नियम रखे हैं, प्रभु के बच्चे लोग देखकर वो लोग भी आशीष पाएं, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने, यही प्रभु का इच्छा है। इसलिए प्रभु ऐसे कई नियम चर्च में रखे हैं प्रभु के लिए। क्या भाषा नहीं है क्या, अभी छत खोल कर 100 किलो सोना उधर गिराने के लिए प्रभु से असंभव है क्या, स्वर्ग से स्वर्ग खोल कर ऐसे एक स्वर्गीय दूत के पास एक थैली भेज कर 100 किलो सोना उस कलशिया में रखे आओ, ऐसे सोना वो लेके नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है। लेकिन प्रभु कभी भी ऐसी ऐसी ऐसा रीति से प्रभु कभी काम नहीं करते हैं। प्रभु प्रभु का नियम यही है, हम बीज बोए कटनी काटें, ज्यादा से हमको हो गया तो दूसरों के लिए दा दें। कई लोग ऐसे सोचते हैं क्यों आप लोग लालच होना चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए चाहिए, ऐसे जो सोचते हैं वो लोग स्वार्थी होते हैं। सचमुच में स्वार्थी वो नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए हमारा अंदर हमारे पास जो आ रहा है वो हम भी अनुभव करें और प्रभु में ज्यादा से ज्यादा देना है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। ऐसे जो जो सोचेंगे वो लोगों को जरूर प्रभु उसका मनोभावना को देख के जरूर प्रभु आशीष करेंगे ही करेंगे, वही मनोभावना हमारा अंदर चाहिए। अचानक हम ऐसे इसलिए रेगुलर देना चाहिए, रेगुलर देना चाहिए। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ हमारा कलिसिया में कई परिवार है वो रेगुलर देते हैं, रेगुलर देते हैं, प्रभु उन सबको आशीष करें। कभी भी हमको ऐसे बोलना नहीं पड़ा इसके लिए ये जरूरत है उसके लिए वो जरूरत, इसके लिए वो जरूरत है इसके लिए वो जरूरत है, इसलिए आप दे दीजिए करके कोई भी कभी भी हम बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद हो, कलिशियम ऐसे लोग सीख गए हैं ऐसे एटीट्यूड को, रेगुलर देते रहते हैं, चर्च में जरूरत है नहीं है, चर्च अकाउंट में हमेशा पैसा रहता है, इसलिए सेवक के लिए ये नहीं हो इसके लिए क्या करूं। क्योंकि आप प्रिय भाई बहन अब देखिए सेवकाई आसान नहीं है, सचमुच में एक आत्मिक रीति से एक सेवक सेवक सेवकाई कर रहा तो करता तो शैतान की सेना हमेशा उसके विरोध में आता है, बुरे बुरे लोग उसके विरोध में आते हैं, उसका जीवन में चारों ओर से शैतान उसको हमला करता है, उनको बच्चों को ऊपर हमला करते हैं करता है शैतान उसका डीमंस, ये पहले से वो भी है। और इतना ही नहीं है सेवक के लिए पैसा का भी जरूरत, वो लोगों से विश्वास लोगों से खड़े होकर हमेशा मुझे ये जरूरत है दीजिए दीजिए वो पूछेगा तो प्रभु का दिल कितना दुख होगा। ऐसे हम नहीं करना चाहिए,
मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सबको ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सचमुच में एक सेवक, सेवक अच्छा से सेवकाई करेगा, कर रहा है तो तुम्हारा जीवन में आशीष तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हारा जीवन में उसके द्वारा वचन की आशीष मिल रहा है, हर क्षेत्र में तुमको आशीष मिल रहा है, तो हम पूछ नहीं बगैर पहले से प्रभु के मंदिर में, प्रभु के घर में, उस भंडार में हम रगने के लिए, पहले से रगने के लिए, हम देने के लिए हम सीखेंगे, तो प्रभु हमें बहुधाई से आशीष करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और देने के लिए क्या, मैं वो भी बोल रही थी, देने के लिए क्या मकसद है, हम देंगे तो प्रभु हमें बहुधाई से आशीष देंगे, तो हम अपने लिए रखने के लिए नहीं, सारा हम अनुभव करें, हमारे बच्चों के लिए घर लें, कुछ बचत करें, सेविंग करें, कुछ गाड़ी लें, अच्छा से खाना खाएं, सब करें, उसके बाद में भी हमारे पास बहुत है, ऐसे आशीष प्रभु हमें देंगे, ऐसे है तो हम दूसरों के लिए दे सकते हैं, सेवकाई के लिए हजारों हजारों रुपया दे सकते हैं, लाखों लाखों रुपया दे सकते हैं, हम कहीं लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं, सुसमाचार का काम कर सकते हैं, जगह जगह कलिसिया, नहीं उधर कलिसिया बना के दे सकते हैं, जगह जगह सेवक लोग नया नया जाके सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम पैसा बेच सकते हैं, ये सब कब मिलेगा, हमारा पूरा अच्छा से भरपूरी से प्रभु, हम भरपूरी से हमें आशीष बहुदायत से मिलेगा, हम बहुदायत से हम दे सकते हैं। यही है दूसरा कोरिंती का पुस्तक में पौलुस इसके बारे में लिखते हैं, दूसरा कोरिंतियों 9वां अध्याय है, दूसरा कोरिंतियों 9वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, 8वां वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुदायत से दे सकता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुधा से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इधर कितना देगा, सब कुछ, बहुत कुछ, हर समय, हर आवश्यकता, ये सब कितना अच्छा अच्छा सब भले काम के लिए, एक एक हर एक भले काम के लिए प्रभु, इधर कितना अच्छा अच्छा शब्द इधर डाला है, देखिए प्रभु का वचन में हम इधर दोनों चीज है, अच्छा से पौलुस लिखते हैं, हमारे लिए भी हर एक भले काम के लिए हमारे लिए भी हो जाए, हमारे लिए हमारा पास भी रखें, और बहुत कुछ हो ताकि हम दूसरों के लिए भी हर भले काम के लिए हम दे सकें, इसके लिए हमको आर्थिक आशीष पाना है। हम क्यों आर्थिक आशीष पाना है, हम लालच नहीं है, हम क्यों आर्थिक आशीष ज्यादा से ज्यादा हम पाना है, हम केवल हमारा पास भी रहे और दूसरों के लिए भी सारे हर भले काम के लिए हम बहुधा से बहुत कुछ हम दे सकें, यही प्रभु का इच्छा है। इसलिए मुझे ये सिखाने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया, आने वाले दिनों में कहीं अकाल होने वाला बोल रहे हैं, आर्थिक समस्या होने वाला करके भविष्यद्वक्ता लोग बोल रहे हैं, दुनिया में ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, उसके पहले प्रभु के बच्चे लोग तैयार रहना है, हम उस समय में हमारे लिए कुछ अकाल भी नहीं, हमारे लिए आर्थिक समस्या नहीं आएगा, लेकिन पहले से हम नींव डालना है, प्रभु के लिए देना है, उसके बारे में हम सीखना है, उसके कैसे मनोभावना कैसे हमको देना है, ये सब हमारे लिए हम सीखना पड़ेगा। एक बार एक सेवक दूसरा एक चर्च में सेवकाई करने के लिए गए, तब उस लोकल पास्टर वो इस सेवक को बोला, आप मेहमान के रूप में आप आए हैं हमारा कलीसिया में सिखाने के लिए, आपके लिए जो भी जरूरत का आपका मिनिस्ट्री में सेवकाय में आप खड़े होकर बोलिए, हमारा कलीसिया वाले देंगे करके बोला। तब ये सेवक जो बाहर से आए वो खड़े हो गए, खड़े होकर एक बाम डाल दिया, बाम डाल दिया मतलब ऐसे एक बात बोल दिया, क्या बोला है वो पहले वाक्य ये बोला, प्रिय भाई बहन मैं पहले बोल देता हूं, आपका पैसा मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। तब वो पास्टर, वो चर्च का पास्टर को शाक लग गया, ये क्या, ये सेवक ऐसे बता रहा है, अभी कौन दान डालेगा, मेरे लिए कुछ आवश्यकता नहीं है करके बोल रहा है, कौन डालेगा दान, ऐसे वो सोच रहा बोल, ऐसे शाक के साथ बैठा हुआ था वो पास्टर, लेकिन ये सेवक ने अच्छा से बोल रहे थे, अभी देखिए मेरे पास, अभी मैं एक चर्च में सेवकाई करके आया हूँ, उस चर्च वाला मुझे बहुधा से दिया, मुझे अभी पैसे के लिए जरूरत नहीं, लेकिन
आप क्यों देना है प्रभु के लिए? मेरे आवश्यकता के लिए नहीं है, आप आशीष पाने के लिए। आपके पास बहुधायत से आशीष रहें ताकि आप हर भले कामों के लिए देने के लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आपको देना है। ऐसे मेरे लिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे आवश्यकता के लिए देना करके आप देना नहीं है। ऐसा ही आपको हमेशा देना है, जब भी आपको आप देते हो प्रभु के लिए, प्रभु मेरे लिए भी जो जो कमी कटियाँ पूरी हो जाए, बहुदाय से दीजिए ताकि सगुण आशीष दीजिए ताकि मैं दूसरों कई लोगों के लिए मेरे पैसे के द्वारा मैं आशीष का कारण बन सकूँ। ऐसे बोला है, बोला तो वो लोग फिर वो सेवक सेवकाई करके जो पैसा वो लोग दान दिए लेके चला गया। लेकिन अगले हफ्ता उस पास्टर जिस कलशा में ये सेवक जाके सेवकाई किया, उस पास्टर का फोन आया। वो रो रो के फोन किया, से ब्रदर इस सेवक को बता रहा है, ब्रदर आप आके ऐसे ऐसे सिखा के गए, ये सब सच्चाई मैं पहले से मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं सिखाने के लिए बहुत शर्मिंदा हो गए। मैं ऐसे लोगों से ऐसे ऐसे बताएंगे तो लोग नहीं देंगे, और मेरा चर्च का प्रोजेक्ट के लिए जो जो मैं कर्जा लिया गया वो अभी भी पड़ा गया, मैं लोग नहीं देंगे करके मैं डर के साथ ये सारे सच्चाई को मैं बताया नहीं, मैं शर्मिंदा होकर मेरे लिए जो जरूरत है उसके बारे में भी मैं किसी को बताता नहीं है, मैं शर्मिंदा होकर ऐसे कभी नहीं सिखाया, इसलिए मैं बहुत दुखित हुआ हूँ। मैं ऐसे मेरा कलशिया वालों को आशीष पाने से रोक दिया, सच्चाई को बंद करके रख दिया करके रो रो के इस सेवक को फोन किया। तब वो पास्टर ने अपने बारे में बोल रहा था, अगले हफ्ता जो रविवार में वो पास्टर खड़े होकर कलशिया के सामने रो रो के माफ़ी मांगा अपने कलशिया वालों से, प्रिय भाई बहन देने के बारे में जो सच्चाई है सही रीति से मैं आपको सिखाया नहीं, इसलिए आप लोगों में कई लोग दरिद्रता में रहते हैं, कई लोग कष्ट में रहते हैं, मैं चर्च का भी कर्जा है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब आगे से ऐसे नहीं करूँगा, सच्चाई को ठीक रीति से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा करके रो रो के माफ़ी मांगा। तो सब कलशा वाले आ गया, आगे आकर वो लोग तसली दिया पास्टर को, पास्टर जी ठीक है, आप हम आपको माफ़ कर देते हैं, आगे इससे हमारा कलशा आगे बढ़ेगा करके वो लोग बोल रहे थे। वो लोग 25-30 लोग ही थे, तीन जगह में वो ऐसे सेवकाई किया, एक एक कलशा में 25-30 लोग थे। वो पास्टर बाद में भी फोन किया, वो 2-3 महीना में भी, 1-2 महीना के अंदर ही वो इतने लोग थे, थोड़े लोग थे, लेकिन वो लोग पैसे दिए प्रभु के लिए, उत्साह दृश्य दिया, सब कलशिया का जो भी प्रोजेक्ट का जो कर्जा था सब पूरा हो गया, सब वो लोग देख चुके थे। प्रिय भाई बहन ऐसे हम कोई चाहिए नहीं, जरूरत है नहीं तो सेवक के लिए देना है, सेवक के लिए जरूरत करके हम कभी नहीं देने का, हम प्रभु के लिए देते हैं, हमारा भी सारी चीज जरूरत पूरा हो जाते हैं, और सौगुणा हमें मिलेगा तो हम दूसरों के लिए कई लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं। हम अब्राहम को हम देख सकते हैं, अब्राहम का जीवन में देखिए, अब्राहम वो इसहाक को प्रभु ने दिया, इसहाक को प्रभु बलिदान चढ़ाने के लिए जो बोल रहा है वो पूरा मन से इसहाक को वेदी पर दे दिया। तब स्वर्गीय दूत से एक वाणी आकाश से आ रही है, क्या बोल रहा था स्वर्गीय दूत, अब्राहम तुम इसहाक को इतना पूरे दिल से मेरे ऊपर विश्वास करके तुम दे दिया, इसलिए मैं तुम्हारा वंश को पूरा समुद्र का बाल जैसे और आकाश की ताराओं जैसे इतना ज्यादा करूंगा करके प्रभु ने वायदा किया। एक इसहाक को देने के लिए तैयार हुआ पूर्ण रीति से, प्रभु मांग रहा है, प्रभु बोल रहा है इसलिए दे रहा हूँ करके दिया, तो इतने लोग अब्राहम का संतान इतना आ गया। लेकिन वो केवल उस संतान जो अभी भी इसराइल देश अब्राहम की जो संतान है आज भी आशीष पाया हुआ देश है, अब्राहम का आशीष आज भी इसराइल देश में काम कर रहा है। प्रिय भाई बहन वो अपना एक बात माना तो उसकी वजह से, अब्राहम क्या बात माना, अब्राहम बात माना उसके वजह से अभी तक कितने लोग आशीष पाए हैं। पिता परमेश्वर को देखिए, अपने एकलौता पुत्र को वो इस पृथ्वी में दे दिया, बलिदान होने दिया, क्यों
वो उसको आदम तो पाप किया, वो जाने दो, मर जाने दो, नरक में जाने दो करके शैतान के साथ दिया ना, वो शैतान के साथ दे दिया, शैतान के साथ उसके दूतों के गिरे हुए दूतों के साथ वो भी नरक में तड़पने दो करके पिता परमेश्वर कभी नहीं सोचा, अपना एकलौता पुत्र को दिया ताकि उसको मालूम है हम ऐसा ही 53 में हम पढ़ते हैं, ऐसा ही 53 12 वचन में पढ़ते हैं। उसमें कई लोग पिता परमेश्वर को मालूम है मैं मेरे एक बेटा को दे रहा हूँ, उसके बदले कई लाखों बच्चे लोग मुझे मिलने वाले हैं, कई लोगों के लिए भी आशीष भी होने वाले हैं, कई लाखों मनुष्य जाति स्वर्ग में मेरे साथ आनंद उठाने वाले हैं। पिता परमेश्वर का मनोभावना को देखिए, वैसे यीशु मसीह का मनोभावना को देखिए, ये हिब्रूनी का 2 में 9 और 10 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह भी अपना आपको दे दिया पूरा पूरा खाली करके, स्वर्ग का अपना महिमा खाली करके इधर आया, मानव जाति लोगों के लिए उपद्रव सहा, कष्ट उठाकर जीवन दिया। उसके वजह से कितने भाई लोग उसको मिल गया, कितने भाई लोग मिल गया, वो पहलौटा बन गया, कितने भाई लोग मिले उसके वजह से, कितने लोग हम पाप की क्षमा, श्राप से मुक्ति, बीमारी से चंगाई, लेकिन वो पहले दिया देने के बाद में ये सब आशीष हो रहा है। हमारे जीवन में भी हम देंगे बहुदाय से, हम पूरे दिल से हम देंगे, विश्वास के साथ देंगे, तब हमारा द्वारा प्रभु हमारा अंदर भी हमारा हाथ में बहुत बहुदाय से देंगे, हम भी आशीष पाएंगे, कई लोगों के लिए हम आशीष का कारण भी हम बन सकते हैं। हम कभी भी इंतजार ना करें कोई सेवक मेरे लिए ये जरूरत हो वो जरूरत हो बोले आ करके। एक बार एक सेवक ने ऐसे बताया, मैं सुनी, वो सेवक जब तब नए नए शादी हुआ था उन लोगों को, वो पूरा पूरा सेवक में अपने आपको सौंप दे दिया, तब उस सेवक का पास कोई भी पैसा नहीं था, वो लोग बहुत दरिद्रता में थे, वो लोग दोनों अच्छे परिवार से आए हुए थे, लेकिन वो पूरा पूरा सेवकाई में आ गए, प्रभु की ओर देखते रहे हम अपना खर्चा के लिए, तब वो कुछ देने के बारे में कुछ सच्चाई मुझे अच्छा से जानना है क्यों मैं ऐसे दरिद्रता में हूं करके, उस सच्चाई को जानने के लिए वो इधर उधर एक एक मीटिंग जगह जगह होता था, वो दोनों पति पत्नी दोनों जाते थे, जाके कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ कैसेट खरीदना चाहते थे जो देने के विषय में संदेश, प्रभु का संदेश है, लेकिन उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता था, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो सच्चाई सीखना भी उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए वो सेवक अपने हृदय में एक निर्णय लिया, प्रभु मैं सेवकाई में, मैं और मेरा पत्नी दोनों आ गए हैं, आप मेरे पास बहुत पैसा आप देंगे तो भविष्य में मैं जो एक एक सच्चाई जो मुझे आप प्रकट करेंगे उसको मुफ्त में पूरा विश्व में मैं फैलाने के लिए मैं वायदा करता हूँ करके, ऐसे एक टूटा हुआ दिल से वो एक निर्णय लिया, प्रभु उसने इसको सुन लिया, प्रभु आज इसका सेवक के हाथ में कितने लाखों लाखों डॉलर दिया गया, वो पूरा हम इतना आशीष पाए उस सेवक का संदेश हम सुनकर, पूरा फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट में, कितने अच्छे अच्छे सच्चाई, तब लेकिन वो तब वो शुरुआत में वो बोल रहा है, तब वो शुरू करने लगा कैसेट्स वगैरह ये रिकॉर्ड करके वो लोग फ्री में देने लगे, शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा देने लगे, प्रभु थोड़ा पैसा देंगे तो भी तुरंत वो लोग थोड़ा खाली कैसेट लेंगे और सच्चाई को प्रचार करेंगे, अब वो रिकॉर्ड करके फ्री में जो 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 जिस चीज को चाहिए फ्री में बेचते थे, लेकिन पैसा के लिए फिर लास्ट में बात में इंतजार करते थे, वो पैसा प्रभु पैसा दीजिए हम और भी कैसेट डाल सकते हैं, ऐसे वो इनिशियल शुरू शुरू में ऐसे वो लोग करते थे, तब इसको देख कर एक आदमी, एक बार ये लोग ये काम करते थे कैसेट का काम करते थे, तब कुछ काम के लिए एक आदमी उसका घर में आया था, वो ये इसका बहुत कष्ट को देख कर वो बोल रहा था, ये भाई तुम बोलना चाहिए ना, तुम्हारा द्वारा जो जो सेवकाई में आशीष पा रहे हैं उन लोगों से तुम पूछना चाहिए ना, मेरे लिए ऐसे ऐसे इतना पैसा चाहिए, इतना इतना जरूरत है, तुम पूछना चाहिए तब वो लोग इतना देंगे, तुम्हारा इतना कष्ट नहीं होगा ना, ऐसे बोला, नहीं नहीं वो ऐसे लोग नहीं, ऐसा नहीं, लोग अपना आप देना आ गए, आशीष पाकर देना आ गए, यही मेरा ये है मनोभावना है, मैं ये मेरा यही है, यही सच्चाई है करके ऐसे लोग ने बोल दिया। तब वो जो आदमी उसका घर में आया वो बोल रहा था, मैं अभी अभी 25,000 डॉलर को
अमेरिका का है वो, $25,000 को एक सेवक को दे के इधर आया है। कभी भी मुझे दान देना पड़ा, दान देने के लिए प्रभु, मैं दान देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तब प्रभु मेरा अंदर, मेरा मन का अंदर हमेशा तुम्हारा नाम को ही याद दिलाता है। वो ये जो सेवक है ना कैसेट बना रहे, तुम्हारा नाम को याद दिलाता है, इसको दे दो बोलता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था ये सेवक तो कभी मुझे बोला नहीं है मेरा जरूरत है करके, इसलिए उसके लिए क्यों देना आ गया, जो दे मुझे चाहिए ये चाहिए, उसके लिए ये खर्चा गया वो खर्चा गया, ये जब खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए करके वो जो वो दूसरा सेवक पूछ रहा है, इसलिए उसको उसको ही जरूरत होगा, ये सेवक को तो जरूरत नहीं होगा करके। मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं दिया, हमेशा वो सेवक को ही देते रहा जो पूछ रहा करके, पूछ रहा है उस सेवक को ही देते रहा करके बोल रहा था। अभी उसको पता चला, पता चला उसका घर में आके पता चला, वो उस सेवक को भी कितना वो अच्छा से सेवकाई कर रहा है, फ्री में अच्छा से सच्चाइयों को फ्री में कैसेट में बांट रहे हैं, सच्चाई रीति से रात दिन मेहनत करके सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन वो पूछा नहीं कभी, मुझे इतना डॉलर की जरूरत है, एक कैसेट के लिए इतना दीजिए, इतना लाभ रखे ज्यादा बढ़ा के कैसेट को पैसा नहीं इकट्ठा नहीं किया। आज उसका हाथ में कितने, उसके नीचे कितने सेवक लोग हैं, अच्छा अच्छा बेस्ट सेवक लोगों को उसके साथ प्रभु जोड़ दिया, उनके द्वारा हम हमारा परिवार पूरा आशीष पाए, हम आशीष पा रहे हैं आज भी। प्रिय भाई बहन, हमारा मनोभावना ठीक होना चाहिए, देने का समय में हम 100 गुना, कई लोगों का हम देते हैं 100 गुना हमको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, हम इस मनोभावना के साथ देना है, मैं प्रभु में दे रहा हूँ 100 गुना मुझे दीजिए वापस आपका वचन के अनुसार, ताकि कहीं सेवकाई के लिए मैं दे सकूं, कहीं लोगों के लिए दे सकूं, कलिशिया में जो विधवा बहन लोग है, मम्मी पापा नहीं है अनाथ बच्चे लोग के लिए ज्यादा दे सकूं, कुछ भी जो भी जरूरत मेरे सामने है मैं देखता हूँ उसमें हम देते रहने के लिए प्रभु दीजिए करके, ऐसे मनोभावना के साथ हम पूछेंगे तो प्रभु जरूर देंगे, तो प्रभु जरूर हमें जरूरत से ज्यादा आशीष देंगे, हर एक समय में, हर समय में, हर काम के लिए प्रभु, हमारा हमारे पास रहने के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ देने के लिए, सारे अनुग्रह को हमारे जीवन में बड़ा, उस अनुग्रह की बढ़ोतरी हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु सर्व सामर्थ्य है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें, आमीन।